गाड़ी का इफ्तिताह मामा बाबा के हाथों। लो जी, कैसी लगी पहली वाली राइड गाड़ी? बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है, वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट ड्राइव मैंने ली है। अस्सलाम वालेकुम जी, रोटी कपड़ा और खानों ज़रा खान के व्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद। यार ये व्लॉग जो है ना, मैं एक शर्त पे शुरू करूँगा, आप लोग मुझसे ट्रीट नहीं मांगेंगे इसके बाद, क्योंकि इतनों को मैं ट्रीट कैसे खिलाऊँ। इस शोरूम में इस ब्रांड तक मैं कैसे पहुँचा और कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ कौन सी नहीं ले रहा वो सब आपको दिखाता हूँ। अपना व्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स गो। मैं आया हूँ अभी GAC, जिसको अक्सर लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं जो कि 2022 मॉडल है, थोड़ी सी आपको कन्वेंशनल सी लुक इनकी नजर आ रही है। लाइक जो आजकल की जो नई गाड़ी है ना, उनकी लुक में आपको बताता हूँ क्या है। अब ये अभी गाड़ी देखेंगे 2024 मॉडल है, इनकी एग्रेसिव लुक है जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं। अब ये GT वर्जन है, ये है M-Co एंड ये है M-Zoom। आई एम गेटिंग दिस कार, लेकिन इसका मैं GT वर्जन ले रहा हूँ। M-Co, M-Zoom, आप देखिए इनमें ना एग्रेसिवनेस है, इनके अंदर एक स्टाइल है, सारे इसके स्लीक सा डिज़ाइन है, साइड पे जो साइड स्कर्ट्स आप कह लें और इसके जो जितने भी जगह जगह पे इन्होंने कट्स लगाए हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस। ये सारे कट्स आप देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने बनाई है। इसके अंदर और बड़े बड़ी गाड़ियों के वर्जन भी हैं, GS8 है ये, वहाँ पर वो एक फैमिली कार है, वो हुंडई टाइप की गाड़ी है। तो GAC के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता हूँ। अच्छा, तो इनिशियली मैं देख रहा था कोई जर्मन कोई अमेरिकन का, लेकिन मैं चाइनीज़ पे क्यों आया हूँ, GAC इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, जैसे बाकी और भी शेंजन है और गीली है, बड़े तरह तरह के चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, इवन MG भी अब चाइना में ही बन रही है। तो मैं GAC की तरफ इसलिए आया हूँ दो रीज़न्स की वजह से। एक तो इनके पार्ट्स जो हैं वो जर्मन और अमेरिकन एंड जैपनीज़ हैं, चाइनीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइनीज़ है। एंड दूसरी बात यह है कि ये रेंज में किस तरह से वो आप खुद आएंगे, आप लोग आके देख लेंगे। कितनी प्यारी इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कॉम्बिनेशंस बना के, येलो के साथ ग्रे, येलो के साथ वाइट, ग्रे के साथ ऑरेंज है, ब्लू भी आता है शायद इसमें। तो बड़े तरीके तरीके से इन्होंने ये सारी गाड़ियाँ जो है वो डिज़ाइन की हैं, और ये मुझे तो भाई दिल को भाई है ये गाड़ी। इसके साथ ये थर्ड की भी है, थर्ड की है, इट्स मोर लाइक अ वॉच, और इसको आप गाड़ी को अपनी उससे ऑपरेट कर सकते हैं वॉच से। इसके अंदर एक और ये भी है कि ऑटो पार्क भी, जैसे टेस्ला के अंदर होता है, इसके अंदर भी इन्होंने दी। जी मामा जी, पीछे तो ज़्यादा खुली लग रही है, बहुत खुली है। या तो इसलिए किसने आगे थोड़ी की है? नहीं नहीं नहीं, इसने ये पीछे से खुली है, लेग स्पेस ज़्यादा है। बाहर से गाड़ी देखते हैं तो गुड अलॉय रिम्स, पुराने टाइप के अलॉय रिम्स नहीं है, अच्छे तरीके से इन्होंने बनाए हैं। बड़ी प्यारी सी इन्होंने गोल मेटल की गाड़ी बनाई हुई है, एग्जॉस्ट इसके बीच में है, साइड्स पे नहीं है, वरना साइड्स पे होते हैं, दूसरे वाली के GT के बीच में है। इसके अंदर आवाज़ भी आती है, लाइक प्रॉपर स्पोर्ट वर्जन नॉइस भी है। रिम्स में भी इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से एक ऑरेंज सी एक स्कर्टिंग सी दी हुई है। और ये देखिए, अब हम लोग अंदर जाते हैं, ये नॉर्मली बंद होता है, अभी इसकी की पास नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ ये बंद कैसे होता है। ये हमने खोला, इसके अंदर ब्यूटीफुल एम्बियंट लाइट्स, ये ब्लू ऑरेंज रेड ब्ला 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 सब कुछ रहता है। गियर देखें यार, एक क्रिस्टल सा बनाया हुआ है, उससे आप आगे पीछे करके गियर लगाएंगे, जो कि रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव है, और वे पार्क के लिए आप इस बटन को दबा देते हैं। एक अच्छी सी पार्किंग ब्रेक भी है, वेरी नाइस पैनल थ्रू आउट, यानी वहाँ से शुरू होकर यहाँ मिड तक आ रहा है, स्पेस है फॉर योर मोबाइल्स एंड अदर थिंग्स। बहुत ही प्यारा इंटीरियर, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सेम गाड़ी के उसी कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, ब्लूइश ग्रे विद ब्लैक। फिर इधर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, वॉल्यूम अप डाउन दिस दैट सब कुछ, वो स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। वेंट्स भी बड़े प्यारे स्टाइलिश से बनाए हुए हैं, जिस तरह से किसी अच्छी सी, वाह ये भी बहुत प्यारा है, जैसे स्पोर्ट्स कार्स के होते हैं। फिर आप पीछे आ जाए, ये देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से इधर ब्लैक विद ऑरेंज है, ऊपर भी इसके ऐसे ही है, सनरूफ है, सनरूफ इसमें जो दूसरे मॉडल्स हैं, जो बड़ी वाली गाड़ी M-Co जो मैंने आपको दिखाई, उसके अंदर ग्लास रूफ है, वो खुलती नहीं है, ये सनरूफ है, ये हाफ वे खुलती है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इसका फिर वो भी है, कवरेज भी है, गुड पॉकेट्स, वेरी नाइस लेग स्पेस। यानी देखिए, मैं 6 फुट का आदमी हूँ और मैं इस तरह करके इसको ये भी कर रहा हूँ, सो गुड लेग स्पेस, और अभी भी मैं कम्फर्ट में हूँ।
एक ही, अच्छा ये एसी का ये है कि सिर्फ एक ही है पीछे, और एक ही आपका यूएसबी का डर। अच्छा इट्स 1.5 टर्बो है, 177 हॉर्स पावर। ये देखें तो खुद ही खुलेगी, ज़बरदस्त, पूरी किट वगैरह पीछे है, इसी को आप लोग लटा भी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। अच्छी बड़ी स्पेस है, कोई 4 फिट 3 फिट तो होगी यह जगह। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार। इसकी जी देखें, डायमंड स्टाइल लाइट्स, ज़बरदस्त। इसके सामने यहाँ पे भी देखें कितना स्लीक सा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है। LEDs हैं जो कि बाकी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। वैसे आप देखें तो इनकी बड़ी सेडान्स वगैरह भी हैं, ये सेडान है, आगे जीप बड़ी भी है, छोटी SUVs भी हैं। ये है GS8 फोर व्हील ड्राइव, ये भी बड़ी प्यारी लग्जूरियस, वेरी ब्यूटीफुल कार। ये ज़्यादा लग्जूरियस है क्योंकि ये फिर बड़ी गाड़ियों में आ जाती है, इसकी प्राइस वगैरह भी ज़्यादा। मुझे प्राइस से ज़्यादा भी ये है कि मुझे ना नई गाड़ी अपने लिए लेनी है, और वो लेनी है जो अभी मेरे ऊपर सूट भी करे। ज़्यादा बड़ी गाड़ी अभी लेके करनी है। इसके अंदर 4 मोड्स आते हैं, एक कम्फर्ट मोड है, एक इको है जिसमें आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी, फिर एक स्पोर्ट आती है, और फिर आती है स्पोर्ट प्लस। ये अभी आप देखना है, ये स्पोर्ट थी एंड अब मैं स्पोर्ट प्लस, ये स्पोर्ट प्लस हो गया। इसके ऊपर आपके एग्जॉस्ट की आवाज़ भी चेंज हो जाएगी, और ये इसके ऊपर बार भी आपका डिफरेंट हो जाएगा स्पोर्ट प्लस पे। सारी चीज़ें आपको उस तरह से दे रही जैसे स्पोर्ट्स कार की होती हैं। ये देखिए जी, बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा इसका इंजन है, और ये इसकी रेडिएटर की नंगी बोतलें हैं, तो आपको कोई ये देखना नहीं पड़ेगा कि मिनिमम या मैक्सिमम पे। यार थोड़ा सा बड़ा डिसीजन है ना, घड़ी ले रहे हैं तो एकदम दिल धक धक कर रहा है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ पेपर वर्क करने के लिए, पेपर वर्क करते हैं, गाड़ी अपने नाम करते हैं, और एक तकरीबन एक हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि ये बाइक खड़ी हुई है, इसको थोड़ा उन्होंने इसका मॉडल दूसरा मंगवा के फिर दे देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अ डिफरेंट डे बट सेम व्लॉग। आज मैं आ गया हूँ गाड़ी रिसीव करने के लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा के नई गाड़ी ली है, और अच्छे नसीब में कर रहे अल्लाह ताला इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। तो नई गाड़ी आ गई है, मुझे कॉल आई आज के जी आए हैं अपने आके गाड़ी ले जाएँ, सारे पेपर वर्क वगैरह जो हैं वो सब हो गए, वो काफ़ी दिन बीच में चलते रहे, मुझे नहीं पता था कि नई गाड़ी के अंदर इतने रपड़े होते हैं। दैट ही हैज़ फाइनली अराइव्ड, और मैं अब गाड़ी लेके जाऊँगा। आए चलते हैं, लेट्स गो। हेलो जी, गाड़ी की पहली राइड मामा बाबा की। जी बाबा जी, कैसी लग रही गाड़ी? बहुत प्यारी, मबरूक मबरूक। खैर हमारे खैर, करे करे ट्राई करें आप। लो जी, जा रही है गाड़ी पहली राइड को। गाड़ी का इफ्तिताह मामा बाबा के हाथों। लो जी, हाँ जी गाड़ी वापस बताएं जी कैमरे के लिए बाबा, कैसी लगी पहली राइड गाड़ी? बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत प्यारी गाड़ी है, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी गाड़ी, बहुत प्यारी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट ड्राइव मैंने ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू नई गाड़ी की, और फीलिंग ऑफ कोर्स वो भी बहुत बहुत ही ज़बरदस्ती है। अच्छा इसके कैमरा लुक भी ज़रा देख ले, एक तो ये आपको पीछे का व्यू देगी, और देन एक 360 देगी, लेफ्ट राइट अप डाउन, आपको एक सैटेलाइट व्यू भी ये देगी, तो आपको हर जगह से आपको नज़र आ रहा है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। ये देखिए सैटेलाइट व्यू, बिस्मिल्लाह कि एम्बियंट लाइट्स जो है ना वो भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें देख के गाड़ी ली है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी दुआ में याद रखें यार कि अल्लाह ताला ने जो गाड़ी जिस तरह दी है वो अच्छे नसीब में करे, और खैर खैरियत से जो है वो गाड़ी चले। दुआ में याद रखें हमेशा की तरह, अपना बहुत ख्याल रखें।